नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे आरोही और अवरोही क्रम के बारे में और आपको ये छाटना होगा ये बताना होगा कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है आज एक ही वीडियो में दो टॉपिक पर बात करेंगे और वो भी ट्रिक के साथ कैसे करेंगे ट्रिक के साथ तो आप लोग देखेंगे आरोही क्रम आरोही आरोही क्रम आरोही क्रम हो गया नंबर एक दूसरा है अवरोही क्रम कौन सा है अवरोही क्रम दिख रहा होगा आप लोगों को स्पष्टता देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम कि आरोही क्रम क्या होता है अवरोही क्रम क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है और लोग इसे गलत कर आते हैं बच्चे गलत करके आते हैं इसको हंड्रेड परसेंट देखिए हम इसकी गलतियां इनकी खामियों को कम करने के लिए हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे आप समझने की कोशिश करिए देखिए मान लीजिए कोई एक उदाहरण आया है लिख रहा है इसमें कि इसका आरोही क्रम लिख दीजिए देखिए इसलिए लिख रहा है दो अट्ठाइस तेरह पचपन बाईस बाईस ग्यारह है सत्रह और उनचास मान लीजिए यहां लिख देता हूं मैं उनचास फोर्टी नाइन ये लिखा हुआ ये अलग अलग संख्या है अब आपसे कह रहा है वो कि इनका क्या है आप आरोही क्रम लिख दीजिए या अवरोही क्रम लिख दीजिए तो आपको पता ही नहीं है अच्छे से समझ नहीं पाए आप लोग कि आरोही क्या होता है अवरोही क्या होता है तो आपको ट्रिक के साथ समझना क्या समझना देखिए आरोही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ आरोही आरोही में आ रहा है आ आ कैसा है बडा और इसमें आ कैसा है छोटा यानी इसका मतलब तो है आ आ बड़ा क्रम बड़ा मतलब कैसा तो क्रम बड़ा, बड़ा बड़ा मतलब, छोटा तो ये तो बढ़ता क्रम है आरोही और अवरोही कैसा है छोटा क्रम है अब आप देखिए इसमें एक बार लिख देता हूं एक बार छोटा क्रम में और एक बार बड़ा क्रम में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है दो दे रखा है

अब देखिए ये वाला जो क्रम है ये बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है आप लोग देखिए ये बढ़ता है बढ़ता है तो आ कौन से माता बड़ा आरोही में तो आरोही तो ये हो गया आरोही क्रम आरोही क्रम आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से ये आरोही क्रम हो गया अगर इन्हीं संख्याओं को पलटकर लिख दिया जाए जैसे पचपन उनचास अट्ठाईस बाईस सत्रह तेरह ग्यारह और दो इन सबके साथ में कोमा लगा लीजिए क्योंकि ये अलग अलग संख्या हैं तो आप लोग देख रहे हैं पचपन के बाद उनचास उनचास के बाद अट्ठाईस अट्ठाईस के बाद सत्रह सत्रह के बाद तेरह तेरह के बाद ग्यारह ग्यारह के बाद दो तो ये क्रम कैसा हो रहा है छोटा क्रम हो रहा है ना घट रहा है घट रहा है या छोटा हो रहा है तो अवरोही होगा क्या होगा अवरोही आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छा टॉपिक था आपको जरूर समझ में आया होगा अब भिन्न के बारे में हमें समझना था कि भिन्न छोटे बड़े कैसे होते हैं देखिए एक बार इसे हटा देते हैं आप देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है ना देखिए आप लोग देखिए इसमें देखिए हम जैसे ये देख रहे हैं भिन्न दो बटे तीन चार बटे पाँच इस तरह का है आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है तो फिर बड़ा छोटा पहचान लेंगे हम फिर इनका आरोही आरोही क्रम भी हम जान लेंगे हंड्रेड परसेंट तो आप लोग देखिए इसे छाटना सीखिए आपको देखा कि कौन सा बड़ा है और नहीं पहचान पहचान पाते तो इनमें क्या हम इसका वज्र गुणा कर लेते हैं इसका ऐसे और इसका ऐसे जिसका अंश बड़ा होगा वो जो है भिन्न बड़ा होगा सीधी सी बात है तो पांच दो दस दस बटे तीन तीन चौके बारह बारह बटे पांच आप लोग देखिए कौन से कौन से बड़ा है तो इसका बड़ा है बारह वाला तो बारह किस पारा इस पे तो दूसरे वाले पारा है तो कुल मिलाकर के चार बटे जो पांच है वो भिन्न बड़ी है कैसी होगी बड़ी होगी बड़ी है तो पहले हमें इसे लिखना है चार बटे पांच और इसके बाद दो बटे तीन तो इसका क्या हो गया क्रम हो गया और वो हो, हो गया घटता क्रम कैसा हो गया घटता क्रम यानी छोटा क्रम तो अवरोही क्रम हो जाएगा आपको समझ में आया होगा उन्नीस सौ रुपए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हम ऐसी ही ट्रिक मैथमेटिक्स के आपको पेश करेंगे समझाते रहेंगे थैंक यू साथियों धन्यवाद नमस्कार